आई लव सागर टाउन के बोर्ड के पास हम उतरे हैं और थोड़ा नाश्ते वास्ते का सीन है। सीटिंग बेहतरीन। एनर्जी आ चुकी है और अब बलोचिस्तान के अंदर एंटर हो चुकी है। वेलकम टू बलोचिस्तान। जाते हैं तो जो चीज़ें देखने की हैं तो इमर्ट बालकन हो गया उल्टे हाथ पे, फिर नदी के साथ अगर सीधे हाथ में जाते हैं आप एक हिंगोल रिवर है। हिंगोल रिवर से अगर आप राइट पे जाते हैं तो तकरीबन 20-22 किलोमीटर के ऊपर एक मशहूर ज़माना हज़ार साल पुराना मंदिर है, नानी मंदिर कहलाता है। सीधे हाथ पे जाएंगे तो नदी को गौर से देखते हुए जाएगा। कभी कभी मगरमच्छ पड़े होते हैं, मैंने तो देखे हमारा अक्सर देखे। नदी आगे जाते हैं तो सीधे हाथ पे एक चीज़ कहलाती है प्रिंसेस ऑफ होप, चट्टान सी है जिसका ही मॉडल लगा हुआ है। हाँ दिक्कत है, मतलब जगह है वो अच्छी, मतलब खूबसूरत जगह देखने की। बस वो देखने की जगह है, खूबसूरत कुछ भी नहीं, सारा सही है। ये जो बैंड्रॉप नज़र आ रहा है ना, ये कभी कभी नज़र आता है, वरना इतना मतलब ख़राब होता है कि दिखता नहीं। अच्छा चले बेटा चले, जजाकल्ला बहुत बहुत शुक्रिया सर, खैरियत से जाएँ, अल्लाह पाक से तो तंदुरुस्ती दे आपको। आखिर हम पहुंच गए कौन सी स्पॉट पे, ये अभी जाके हमें पता लगेगा कि कौन से स्पॉट पे पहुंचे हैं। मेहदी बीच के नाम से ढूंढ रहे थे हम और अब आके हम एक बीच के ऊपर पहुंच तो गए हैं। यहाँ पे आगे एक पट्टी लगी हुई है ग्वादर 386 किलोमीटर एंड पसनी 286। तीन में भी दो दो, दो और अभी आ रहे हैं, दो और भी आ रहे हैं, एक दो तीन, तीन कलर सही है सर। एक नामालूम मकाम पर रुक कर जस्ट व्यू लेने की खातिर हमने गाड़ी को इतनी तेज धूप में रोके और व्यू चेक करो यार। तो भाई ये सामने आपको बीच के ऊपर बंदे नजर आ रहे हैं, रंग उठाए तो वाला और ब्रहट तो नहाने के लिए ये पॉइंट बनाया हुआ है, सही है यार ये। ये
रहा है गर्म, हल्का फुल्का गर्म, लेकिन लहरें ठंडी ठार, पानी ज़बरदस्त। हम बल्लू साहब से पूछते हैं कि उनके छिंकवंताओं के अंदर बीच का क्या माहौल होता है। छिंकवंताओं में तो लहरें हैं ना पानी की, जैसे यहाँ पे आप दिखाएगा वैसे ही होता है क्या, बाकी ये है कि वो काम होता है। केड़ा काम होता है? स्कूल स्कूल। अच्छा काम होता है, होता है काम होता है, पानी ठहरा होता है, ठीक हो गया। लेकिन यार हवा ज़्यादा है यहाँ पे। मैं जब गया था छिंकवंताओं में, मेरे साथ अपना आसान अली और जो है ना अपना अवैस था, तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे हम गए थे ना, वो भाई बेहतरीन किस्म की लहरें चली थी उस वक्त, ठंडी ठार ज़बरदस्त हवा, और यहाँ यहाँ तक पानी उड़ उड़ के आ रहा था। काफ़ी साहब वहाँ से जो है ना व्लॉग के लिए आए हैं यहाँ पे, तो इनसे भी पूछते हैं थोड़ा क्या एंजॉय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में भी इस तरह की बीचेज़ हैं। यार मैं बता रहा था, मैंने कहा कि मैं खुद ऑलरेडी किसी भी जगह पर पाकिस्तान में नहीं गया, ना मैं अपने कौन से होते हैं भला हुंजा जी गिलगित छिलगित यहाँ पे मैं कहीं नहीं गया, लेकिन ये दोनों बंदे जो है ना चीते बंदे हैं, वहाँ से फिर आए हैं, तो अब इनके लिए भी अगर ये चीज़ ज़बरदस्त है तो मतलब समझ जाओ कि यार वाकई ये पॉइंट है। बॉडी भी दिखाएगा, बॉडी एक मॉडल दिखाते हैं जो बड़ा अच्छा दे रहे हैं आपको पोज। खाने के अंदर आपको सबसे पहले तो जो है ना अपने साथ बिस्किट, स्नैक्स, पेप्सी ये वो लेके आने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका लॉन्ग स्टे है तो आप उसके लिए बारबेक्यू सिस्टम लोगों ने ऊपर लगाए हुए वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारी कोका कोला जो है ना वो बन गई थी तकरीबन आग, आग समझ लो, जहर समझ लो, क्योंकि गर्म करके उसको लोग कहते हैं कि भी जहर बन गया, लो भी जहर बन गया। तो आपने ठंड वाला सिस्टम किया हो तो फिर तो बात है। ये भी बताना है कि सुसु की मिकदार कितने परसेंट पाई जाती है। तो भाई सारे अंदर एंटर हो चुके हैं, तो अब बस मैं एंटर होने लगा हूँ, ठीक है, एंड देन फिर मिलते हैं दोबारा। पानी बहुत ही कड़वा था, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने साथ नीचे पानी की भी तकरीबन दो एक लीटर की बोतल ज़रूर ले गए हैं, ताकि नहाने के बाद आप फौरी तौर पर मुंह धो सकें, खुली कर सकें, बालों के ऊपर डालें तो भी सही है, नहीं तो बाल ख़राब हो जाएंगे। चलते हैं फिर ऊपर जा कर मुलाकात करते हैं। मेन बात यह है कि यहाँ पर इन्होंने एक बॉर्डर लाइन लगाई हुई है, उससे आगे नहीं जाएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ लहरें आती हैं जो वापसी पे बड़ी तेज़ी से जाती हैं, आपको खींच के आगे तक ले जाती हैं। तो वो बता रहा था 2018 में कोई डेथ हुई है, 14 अगस्त के दिन आए थे लोग, एक बंदा ज़रा आगे चला गया, उसकी डेथ हो गई। ना कोई तो बैठा होगा यहाँ पे। ये है जी शंखलाज मंदिर, हिंदुओं का तारीखी मंदिर। इसके अलावा पूछे और कोई पॉइंट है? और पॉइंट नहीं है, वो कह रहे पहाड़ शहाड़ है। से 5 मिनट के फासले पे आगे दोनों मंदिर हैं। अच्छा जी, यहाँ से आगे 5 मिनट का है। ओके, तो ये आई थिंक इसकी एंट्री होगी। अच्छी हो गया हमारा व्लॉग खत्म, दी एंड। बाकी चल रहे हैं नहीं? असल में मैं व्लॉग अच्छे तरीके से खत्म करता होता हूं, एंडिंग भी अच्छी तरीके से किया करना। शुरू तो मैं बड़ा अच्छा करता हूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड निहा, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और एक बेहतरीन दिन गुजार रहे होंगे बिल्कुल मेरी तरह। ये मेरा स्टाइल है, सब देख रहे हैं यार, करदा की सर ये टैलेंटेड बच्चा है। तो इसके साथ ही हमारा व्लॉग होता है खत्म। अब हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पर, होप हो कि आपने एंजॉय किया होगा। अब इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बेल आइकन भी दबा देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। बेल आइकन जरूरी है।
知道我是谁。